भारत के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। यह यात्रा हमें धर्म के साथ कई जीवन के मूल्यवान
है अभी कामार पुकुर के मंदिर में और उसके सामने एक छोटा सा पुकुर है। पुकुर का मतलब होता है तालाब। यहाँ पर जगह जगह बहुत सारे तालाब है, जिसमें का एक तालाब मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। हमारे सभी साथी मछलियों को यहाँ पर मुरमुरे दे रहे हैं, जिसे मूढ़ी कहते हैं। जिसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ भी हैं। मैं भी अभी मूढ़ी लेकर जा रहा हूँ, विशाल भैया ने मुझे दी है, तो चलिए आइए हम लोग अभी मछलियों को मूढ़ी खिलाएंगे। वैसे पानी देखकर आप लोग जानते हैं हम लोग नहाते हैं, लेकिन अभी नहा नहीं सकते, तो मछली को जैसे हम लोग मूढ़ी देंगे। ये जगह बहुत ही प्यारी है। जब पहली बार मैं आया था, मैं भी यहाँ पर साधना के लिए बैठा करता था। देखो काफी सारी मछलियां यहाँ पर आ चुकी है, तो चलिए मैं आपको ये नजारा और भी नजदीक से बताता हूँ। अभी छोटा सा स्नेक भी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारा सा छोटा सा सांप है, यहाँ पर स्नेक है। बहुत सारी मछलियां आ चुकी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, जो कि एक मेला भी है, तो हम लोग रात में उसे भी देखने जाएंगे। ओके, तो मछली अपना खाना खा चुकी है। हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले हैं जयराम वाटी। अभी तो कामार पुकुर है, कामार पुकुर से हम लोग जाने वाले हैं जयराम वाटी, और वहां पर भी बहुत सारे पुकुर है जिसे छोटे छोटे तालाब कहते हैं, तो वहां की भी कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम कृष्ण। दोस्तों कामार पुकुर में हमारे यात्री निवास के बिल्कुल ही सामने चल रहा है एक बहुत बड़ा मेला। समय भी हमारे पास में, तो चलिए मेला घूमते हैं। वाओ, मिठाइयां बन रही है। दोस्तों बंगाल में वैसे तो हम लोग जानते हैं तरह तरह की मिठाइयां बनाई जाती है, जो कि हम यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं। वैसे पिछले दो दिन में हमने भी यहाँ पर मिठाइयों का बहुत लुत्फ उठाया है, खासकर विशाल भैया के साथ। वैसे दोस्तों मेला घूमना और उसे देखने का अपना ही मजा होता है। शहर में ये सारी बातें आज कहाँ देखने के लिए मिलती है। ऐसे भी शहर में तो कोई मेले लगते ही नहीं है। भाग दौड़ से भरी जिंदगी, जहाँ लोगों के पास अपने आप के लिए समय नहीं होता। एक और बात है जो मैंने यहाँ पर देखी है, यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही मेहनती है। वैसे अगर देखा जाए यहाँ पर तो ज्यादातर बंगाली ही चलती है, लेकिन थोड़ी बहुत हिंदी कुछ लोगों को समझ में आती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, जहाँ पर हम लोग अभी आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर, सारी चीजें आई थिंक देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना भी ज्यादा लुक इस बाजार का उठा पाए, इस फेस्टिवल का। बहुत सारी चीजें यहाँ पर, विशाल भैया यहाँ पर कुछ खिलौना यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कुछ मैजिक की दुकान में क्या क्या चीजें यहाँ पर। ओके, मैंने अभी इनको मेरा खुद का ही चश्मा दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कुछ मैजिक हमको बताने वाले इस चश्मे को हिलाकर।
ओके, इनके पास में कुछ तीन रस्सियां हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ दिखाइएगा तीन रस्सी को गिट मार दीजिएगा, तीनों रस्सी को गिट मारने के बाद यहाँ पर दिखाइएगा, ओके रस्सी को यहाँ पर इन्होंने गार्ड बांध दी, गार्ड बांधने के बाद पैनिक करिएगा, तीनों रस्सी को जमा करिएगा, तीनों रस्सी का भरा लगा है यहाँ पर दिखाइएगा, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो दोस्तों ये मैजिक शो यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से हमारी कामार पुकुर श्री रामकृष्ण देव के मंदिर की यात्रा पूर्ण हो रही है। लेकिन अभी भी दोस्तों कामार पुकुर के भीतर के श्री रामकृष्ण देव के पदस्पर्श से पावन हुए ऐसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल है जो हमारे देखना भी बाकी है। हम अभी वे दर्शन ही करने जा रहे हैं, तो उस पर हम एक संपूर्ण अलग ही वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको सभी दर्शनीय स्थलों की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वैसे कामार पुकुर में भी हमारा समय बहुत ज्यादा आनंद में बीता, साथ ही साथ जो फेस्टिवल चल रहा था जिसे हम लोग मेले के रूप में देखे, यह हर साल श्री रामकृष्ण देव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह कल हम जयराम बाटी में जाएंगे जहाँ पर श्री माँ शारदा रहा करती थी, और वहाँ के सभी दर्शनीय स्थलों के भी हम दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस भारत वर्ष चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी ये जानकारी पता चल सके, क्योंकि मैंने देखा